वैसे तो संथाल के 16 सीटों पर मतदान शांतिपूर्वक हुआ, लेकिन जामताड़ा चैंबर की तरफ से आदर्श बूथ बनाकर जिस तरीके से व्यवस्था को बेहतर बनाया गया उससे इलाके के वोटरों में खुशी थी। आदर्श बूथ तो कई विधानसभा में दिखाई पड़े, लेकिन जामताड़ा में जिस तरीके से चैंबर के पदाधिकारियों ने वोटरों को वोट के लिए प्रेरित किया वह काबिले तारीफ रहा। चैंबर के पदाधिकारियों ने फूलों का छोटा गमला देकर वोटरों को सम्मानित किया। हालांकि चैंबर के पदाधिकारी इस तैयारी पर कुछ नहीं बोले, लेकिन लोगों का हौसला जरूर बढ़ाया। आज लोकतंत्र के महापर्व को मनाया जा रहा है और आज इस ठंड कड़ाके की ठंड में लगभग 65 से 70 वर्ष के हमारे एक बुजुर्ग ने सबसे पहला जामताड़ा, मैं समझता हूँ सबसे पहला जामताड़ा में उन्होंने मतदान किया और एक युवा पीढ़ी को संदेश देने का काम किया कि आप लोग भी घरों से निकले और आए और वोट दें और लोकतंत्र को मजबूत करें। आदर्श बूथ पर पहले वोट देने वाले वोटर को जब यहाँ के लोगों ने फूलों से सम्मानित किया तो वे भी गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि खुशी भी है और जोश भी है, युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए। खुशी है, मजेदार आदमी है, जोश तो है वोट देने का। ना क्या उद्देश्य है वोट देने का, क्या सोच करके? अरे दिए हैं, युवा पीढ़ी आगे आएगा तब ना, हम तो पुराना पीढ़ी का आदमी है। अंतिम चरण का चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन ये चुनाव एक बार फिर लोगों के लिए खट्टी मीठी यादें छोड़ गया, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार मतदान कर रहे थे या फिर जो सीनियर सिटीजन के रूप में अपना वोट दे रहे थे। सबरंग समाचार के लिए जामताड़ा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।